हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आपको मैं यहाँ पे आज बताने वाला हूँ परियोजनाओं के नाम, मतलब दोस्तों बांध रहेंगे, बांध के साथ हम नदी देखेंगे कि वो बांध किस नदी पे है और फिर वो किस राज्य में है। ठीक है दोस्तों, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही चीजें मैंने लिखी हुई है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक टीम मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर इसके आगे भी आपको लगता है कि है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मुझे तो नहीं लगता इसके आगे वो पूछे जाते रहेंगे, बट अगर आप मुझे कमेंट करेंगे इसके आगे और भी मैं छोटे छोटे डैम का भी वीडियो बना सकता हूं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और ये 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको यहीं पे मेमोराइज करना है। और दोस्तों एक तरीके मैं आपको बता देता हूं कि मेमोराइज कैसे करना है, कि दोस्तों अगर आपने याद तो कर लिया बट दोस्तों रिकॉल कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए, जो भी मैं ट्रिक बताता हूं वो ट्रिक को आपको मेमोराइज करके समझना है, ध्यान में रखना कॉमेडी इमेज को। और जब एग्जाम में बैठते हो तो आपको अगर जैसे पूछा जाता है कि बताइए महाराष्ट्र में कौन सा बांध है और किस रिवर के ऊपर है, ठीक है, तो दोस्तों या फिर बोला कि सतलज रिवर पे कौन सा डैम है, ठीक है, सतलज रिवर पे कौन सा बांध है और कहाँ पे, तो दोस्तों जो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ पहले आप उसको एक पेज पे लिख लीजिए। ठीक है, पेज पे लिखने के बाद आप उस वर्ड में देखिए कि कौन कौन से वर्ड मैच हो रहे हैं। जैसे महाराजा मैंने आपको बहुत हजार बार हटवा दिया है दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हो तो महाराष्ट्र से मैं महाराजा बोलता हूँ, राजस्थान से राजा बोलता हूँ, हर वीडियो मेरा यही रहता है। उड़ीसा से डिश बोलता हूँ दोस्तों, और नर्मदा से नरम गद्दा, गुजरात से गुजारा रात, ये सब दोस्तों सेम रहता है, सिर्फ उनसे ही हमको बनाना रहता है। और दोस्तों तो आपको उस पेज पे लिखना है और पेज पे लिखने के बाद आपको देखना है कौन कौन से वर्ड मैच हो रहे हैं, फिर तीनों को निकालना है। अगर तीन वर्ड उसमें से निकल जाते हैं जैसे महाराष्ट्र, इंदिरा गांधी और सतलज, तो सीधी सी बात आपको समझ में आ गया, इंदिरा गांधी कोई रिवर है नहीं तो डैम भी हो सकता है, सतलज रिवर आप सबको पता है रिवर ही है, महाराष्ट्र तो सीधी सी बात है स्टेट का नाम है। तो तीनों वर्ड अगर मिल जाते हैं दोस्तों तो आप एडजस्टमेंट करके लिख सकते हो। मेन चीज है दोस्तों की स्टोरी याद रहे, तो वो स्टोरी मैं चाहता हूं आपको याद रहे और बहुत ज्यादा फनी, जितना ज्यादा फनी बनेगा उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बांध नदी राज्य, पहला दोस्तों हीराकुंड, ठीक है, पहला क्या है दोस्तों हीराकुंड, इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए हीरा है, हीरा तो आप ऐसा इमेजिन करिए दोस्तों कि आपको बहुत सारा हीरा का कुंड मिला, मतलब हीरे से बड़ा गढ़ा मिला, ठीक है, एक जैसे बोलते हैं कि एक बक्सा मिला आपको, ठीक है, कुंड मिला, तो एक कुंड में हीरा मिला आपको, बहुत बड़ा हीरा मिला। और वो हीरा कहाँ मिला आपको, महानदी, जो सबसे बड़ी रिवर है ऐसा बोलना है, महानदी मतलब जो नदियों से बड़ा महानदी, ठीक है, तो आपको कहाँ मिला, वो महानदी में मिला या महान नदी में मिला, जैसे बोल सकते हो कि ऐसा नदी जो सबसे महान है, तो कौन है वो, महानदी, महान नदी, ठीक है, तो कहाँ मिला आपको हीरा, महान नदी में मिला, ठीक है। और दोस्तों आपने उसको क्या किया, डिश बना के खा गया आपने उसको, उड़ीसा से मैंने बताया आपको डिश, उड़ीसा से क्या हो गया डिश, तो दोस्तों हीराकुंड, हीराकुंड में आपको क्या मिला, हीराकुंड, हीरा कहाँ मिला आपको, महानदी में, जो सबसे महान है, कौन सी नदी है वो, महानदी। और दोस्तों आपने उसका हीरे का क्या किया, डिश बना के खा गए, जबकि दोस्तों ऐसा रियलिटी में होता नहीं, इसीलिए आपको याद रहेगा कि हीरे का कोई डिश बना के खाता नहीं, इसलिए आपको याद रहेगा क्योंकि ऐसा असंभव है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको याद रहेगा। तो हीराकुंड, महानदी और कहा क्या किया आपने उसका, डिश बना के खा गए। आगे दोस्तों नागार्जुन, नागार्जुन का क्या है दोस्तों, कृष्णा, आंध्र प्रदेश, ये कैसे याद करेंगे, ऐसा कहिए कि अर्जुन है और कृष्णा, अर्जुन को आप सब जानते ही हो, ठीक है, और कृष्ण भगवान, अर्जुन और कृष्ण भगवान एक अंधे आदमी से मिलने गए, ठीक है, अर्जुन और कृष्ण भगवान किससे मिलने गए, एक अंधे आदमी से मिलने गए आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो अंधे आदमी से मिलने गए आंध्र प्रदेश में, आपको पता है अंधा बताता हूँ, तो कृष्ण भगवान और नागार्जुन किससे मिलने गए, अंधे आदमी से आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों फर्रक्का, ठीक है, फर्रक्का से रखा, फर्रक्का से क्या हो जाएगा, रखा, क्या रखा, गंगा, गंगा नाम की लड़की को आपने गाल पे एक रखा, ठीक है, ऐसा इमेजिन करिए कि गंगा नाम की एक लड़की, ऐसा दोस्तों करना नहीं, लड़की के ऊपर हाथ कभी नहीं उठाना रहता है, लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पे कॉमेडी इमेज बनाना है तो कुछ भी चलता है, ठीक है। फर्रक्का आपने रखा, क्या रखा, गाल पे रखा, किसको, गंगा नाम की लड़की को आपने जोर से एक रखा, गंगा नाम की लड़की को गाल पे, गाल पे मतलब पश्चिम बंगाल, गाल से कुछ होगा नहीं, ठीक है, पूर्व गाल तो होगा नहीं दोस्तों, आपको सीधी बात है गंगा तो इंडिया में फ्लो करती है, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, गाल याद आ गया तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो पश्चिम के साइड पे उसको गाल पे दिया, ठीक है, इस तरीके से भी याद हो सकता है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी क्या है दोस्तों, सतलज और महाराष्ट्र, तो इंदिरा जी जो है, इंदिरा को आप जानते रहोगे, ठीक है, इंदिरा गांधी को आप जानते हो, वो इंदिरा गांधी सतलज बहुत लजाती है, किसके साथ में, देखिये सतलज साथ में लजाती है, किसके साथ में लजाती है, महाराजा के साथ में, जब भी वो महाराजा के साथ में रहती है बहुत लजाती है, ठीक है, तो इंदिरा गांधी के साथ लजाती है, इंदिरा गांधी किसके साथ लग जाती है, महाराजा के साथ में, तो यहाँ सतलज
मतलब साथ लजाती है, किसके लजाती है, लजाती मतलब लाज मतलब दोस्तों होता है लाज मतलब सर, ठीक है। तो इंदिरा गांधी बहुत लजाती है या लाज करती है किसके साथ में, महाराजा के साथ में। तो लाज सतलज किसके साथ में, महाराजा के साथ में। आगे रिहंद, दोस्तों रिहंद रिहंद दोनों से में उत्तर प्रदेश, इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, रिहंद से हिंद, हिंद से हिंदी, ठीक है। तो हिंदी भाषा की जो शुरुआत हुई है वो कहां से स्टार्ट हुई दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो हिंद हिंद आपको रिहंद याद आ गया, आप समझ जाओ कि दोनों जगह पे क्या है, सेम सेम है, एक ही वर्ड मिलता है तो समझ जाइए कि दोनों तरफ रिहंदी है, ठीक है। तो हिंदी भाषा की शुरुआत कहां से हुई है, उत्तर प्रदेश से, एक वर्ड है इसका मतलब रिहंद दोनों जगह पर रहेगा, ठीक है, ये आपको सेंस थोड़ा सा लगाना है। इडुक्की, इडुक्की से हो गया दोस्तों डुबकी, आपने डुबकी लगाया, ठीक है, आपने डुबकी लगाया किसके प्यार में, आपने डुबकी लगाया प्यार में करेला के, ठीक है, केरल से करेला, मैंने केरल से करेला याद करा है। तो दोस्तों आपने डुबकी लगाया किसके प्यार में, करेला के प्यार में आपने डुबकी लगाया। आपको कोई पूछा कि आपने डुबकी क्यों लगाया, तो आपको बताना है कि मैं प्यार में हूँ किसके, करेले के प्यार में, करेला मुझे इतना पसंद है कि दोस्तों मैं डुबकी लगा सकता हूँ उसके पूरे रसों में। ऐसा इमेजिन करिए दोस्तों, ये रियलिटी तो है नहीं, करेले का एक बहुत बड़ा कुआं है उसमें आप डुबकी लगा रहे हो, करेला पी रहे हो, कितना दोस्तों फनी लगता है ना। तो आपने डुबकी लगाया किसके प्यार में, करेले के प्यार में। आगे दोस्तों कोयना, महाराजा, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराजा से महाराष्ट्र, कोई नहीं है, आप महाराज ऐसे इमेजिन करिए कि महाराजा एक रथ लेके निकले हैं गांव में, ठीक है, और आपको आगे खड़ा किया है, आपको बोलता है कि आप बोलिए कि मेरे टक्कर में कोई नहीं है, मेरे टक्कर में कोई नहीं है। जब महाराजा जा रहे हैं तो उन्होंने आप नारा लगा रहे हो महाराजा के टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है, कोई ना, ठीक है, महाराजा के टक्कर में कोई नहीं है, कोई ना। आप भीमा, भीमा पवना महाराष्ट्र, अब देखिए दोस्तों इतना मैं आपको बताता हूँ, आप एक बार ट्राई करिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ट्राई करिए, भीमा पवना महाराष्ट्र, ये आप मुझे बना के देंगे, और जिसका सही होगा, जिसका बहुत अच्छा कॉमेडी इमेज होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, और ऊपर के सबको आपको दिखेगा कमेंट में, ठीक है, भीमा पवना महाराष्ट्र आपको बनाना है, और जिसका सबसे ऊपर रहेगा उसका मैं एकदम पिन कर दूंगा और ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो भीमा पवना महाराष्ट्र आप मुझे बना के दिखाएंगे। आगे दिया हुआ दोस्तों राणा, ज्वाहर, चंबल, राजस्थान, इसका कैसे बना सकते हैं दोस्तों, देखिए राणा से रन, ठीक है, रन, राणा मतलब रन, रन कर रहा है कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसा इमेजिन करिए, जवाहर, जवाहर मतलब पंडित, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। दोस्तों ये दो अलग अलग है, दोनों एक ही रिवर पे है, इसलिए मैंने दोनों बनाया हुआ है, राणा अलग है और जवाहर अलग है, ठीक है, और चंबल रिवर पे राजस्थान में दोनों है, याद रखिये दोनों है, ठीक है, राणा और जवाहर अलग अलग है, एक ही नहीं है। तो राणा और जवाहर जो डैम है, रन कौन कर रहा है, ऐसे इमेजिन करिए, रन कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या पहनेंगे, चप्पल पहन के, किसके साथ में, राजस्थान के राजा के साथ में, ठीक है, राजस्थान राजा, राजस्थान राजा, महाराजा मतलब महाराष्ट्र, राजा मतलब राजस्थान। तो राणा रन कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, चप्पल पहन के, राजस्थान के राजा के साथ, ठीक है। आगे सर हिंद, आपके सर पे हिंद लिख दिया जाएगा, यहाँ सर पे आपके क्या लिख दिया जाएगा, हिंद, कब लिख दिया जाएगा, जब आप लजाएंगे नहीं, क्या करने में, हरियाली करने में, हरियाणा से हरियाली, ठीक है, हरियाणा, हरियाली, हरियाणा मतलब आप हरियाली करने में अगर लजाएंगे नहीं, लाज नहीं खाएंगे, तो आपके सर पे हिंद लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो सर पे हिंद लिख दिया जाएगा कब, जब लजाएंगे नहीं, लजाएंगे मतलब सतलज, और क्या करने में, पेड़ लगाने में, हरियाली करने में, तो हरियाणा, ठीक है। आगे सरदार, तो आप ऐसे इमेजिन करिए, सरदार जो है, जो सरदार होते हैं, आप जाएंगे हरियाणा पे, पंजाब में, वहां आपको सरदार बहुत सारे दिखेंगे, वो सरदार नरम गद्दे का इस्तेमाल करते हैं रात गुजारने के लिए, ठीक है। सरदार क्या करते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, या फिर ऐसे इमेजिन की जो सरदार ट्रक चलाते हैं वो नरम गद्दा, नरम गद्दा से नर्मदा, नरम गद्दे का इस्तेमाल करते हैं रात गुजारने के लिए, ठीक है। गुजारा रात, गुजारा रात, गुजारा रात किस पे गुजारा रात, नरम गद्दे पे, किसने, सरदार, सरदार ने क्या किया, नरम गद्दे पे रात गुजारा, ठीक है। आगे टेहरी, ऐसे इमेजिन करिए दोस्तों, टेहरी भागीरथी उत्तराखंड, तो जो दोस्तों टेहरी है, ठीक है, टेहरी मतलब टेढ़ी, ठीक है, टेढ़ी मतलब, टेढ़ी मतलब टेढ़ी, तो टेढ़ा रथ लेके आप भाग रहे हो, भागीरथ मतलब भाग रहे हो रथ लेके, कौन सा रथ, जो टेढ़ा है, और कौन से साइड पे भाग रहे हो, उत्तराखंड की तरफ, उत्तर की तरफ, ठीक है, क्या करने के लिए, खंड खाने के लिए, उत्तर की तरफ क्या कर रहे हो आप, भाग रहे हो, ठीक है, उत्तर की तरफ भाग रहे हो, किसके साथ, टेहरी भागीरथी, ठीक है, टेढ़ा रथ लेके आप, ऐसे इमेजिन करिए टेढ़ा रथ, जो इस तरीके से झुका हुआ टेढ़ा है और
भाग रहे हो लेके, तो क्या लेके भाग रहे हो? रथ। तो टेहरी भागीरथी कौन सी साइड पे भाग रहे हो? उत्तर की तरफ, उत्तराखंड। अगला दोस्तों कूड़ा, तो कूड़ा कूड़ा ठीक है। मिलन तमिलनाडु, मिलना मिलना मैंने आपको बताया था तमिलनाडु से मिलना। तो आप जहां पे मिलते हो, आप जहां पे मिलते हो वो दोस्तों जगह पूरा कूड़ा कूड़ा कर डालते हो ठीक है। ऐसा इमेजिन करना कि मैं जैसा मैं ही अपने ऊपर लेता हूँ ठीक है दोस्तों। जहां मैं मिलता हूँ किसी से भी वहां मैं हमेशा कूड़ा कर देता हूँ, ये मेरी आदत है ठीक है। तो कूड़ा कूड़ा कर देते हैं ठीक है। या फिर आपके पेरेंट्स आपको ऐसा बोल रहे हैं, तू जहां मिलता है वहां कूड़ा कूड़ा कर देता है, तेरी आदत है ठीक है। तो कूड़ा कूड़ा कर दिया, कूड़ा से कुड्डा कुंडा तमिलनाडु में ठीक है। मिलना जब भी आप मिलते हो कूड़ा कूड़ा कर देते हो। भागड़ा सतलज और हिमाचल प्रदेश ठीक है। अब ऐसे इमेजिन करिए कि आप भाग खड़े होते हो, भाग खड़े होते हो मतलब आप जाके कहीं दूर खड़े हो जाते हो। कब? जब भी लजाती है, लाज सतलज से मैंने बताया लाज ठीक है। जब भी लजाती है कौन? हिमा, हिमा आपकी जीएफ है ठीक है। हिमा आपकी जीएफ है, हिमा मैंने आपको बताया था आपकी जीएफ है। जब भी हिमा चल के आपके पास आती है आप लजा के भाग खड़े होते हो ठीक है। ऐसा पूरा लाइन लिखना है कि जब भी हिमा आती है आप लजा के भाग खड़े होते हो। तो जब भी हिमा आती है मतलब हिमाचल प्रदेश, लजाते हो मतलब सतलज, भाग खड़े होते हो मतलब भागड़ा ठीक है। तो भाग खड़े होते हो सतलज हिमाचल प्रदेश ठीक है। जब भी हिमा आती है मैं लजाता हूँ और भाग खड़ा होता हूँ ठीक है। ऐसे तवा, तवा से तवा सेम सेम है मध्य प्रदेश। आप ऐसे इमेजिन करिए दोस्तों कि आप मध्य प्रदेश के बीच में खड़े हो और तावा खरीद रहे हो। क्या खरीद रहे हो? तावा सबको पता है जिसपे रोटी बनाई जाती है, तावा खरीद रहे हो ठीक है। तो तावा एक आया मतलब दोनों जगह रहेगा, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बता दिया। तो तावा मध्य प्रदेश, आप मध्य प्रदेश के एकदम मध्य में, मध्य प्रदेश के एकदम मध्य में खड़े हो, क्या खरीद रहे हो? तावा ठीक है। आगे तुलबुल झेलम जम्मू कश्मीर, आप बुलबुल बोलते हो अपनी जीएफ को, क्या बोलते हैं? बुलबुल बोलते हो, बोलते हो बुलबुल झेल मत, मैं तुझे चल जम्मू कश्मीर घुमा लाता हूँ। क्योंकि बुलबुल बहुत परेशान हो चुकी रहती है अपनी लाइफ से, वो बेचारी बहुत थक चुकी रहती है काम कर करके। तो आप अपनी जीएफ को बोलते हो बुलबुल टेंशन मत ले, झेल मत, झेल मतलब झेलम ठीक है, झेल मत, चल तुझे जम्मू कश्मीर घुमा लाता हूँ। कहाँ लेके चलता हूँ? जम्मू कश्मीर तुझे घुमा लाता हूँ। आगे रंजीत रावी पंजाब, तो आप कोई भी रवि, रवि नाम का एक लड़का है जो कोई भी रन जीत लेता है, कोई भी रन क्या करता है? जीत लेता है। रन जो होता है भागने वाला ठीक है। कोई भी रन हो या रण का जीत हो, रण जीत हो, कोई भी रन का जीत हो, कौन जीत लेता है? रवि। कैसे? जब उसके हाथ में पंजा होता है। या फिर ऐसा है कि एक सिंपल सा बता देता हूं कि रंजीत रवि क्या, रवि क्या करता है? कोई भी रन जीत लेता है जब बात हो पंजे की, जब बात हो पंजा लड़ाने की, तो रवि कोई भी रन जीत जाता है। वो खली से लड़ना हो या अंडरटेकर से लड़ना हो, रवि ऐसा लड़का है जो कि कोई भी रन जीत जाता है अगर बात किसकी हो? पंजे की हो। तो पंजाब रवि और फिर तुम्हारा इसे रंजीत ठीक है। तो रंजीत डैम कहाँ पे? रवि में है और कहाँ पे है? पंजाब में। आगे अलमाटी कृष्णा कर्नाटक, तो अलमाटी से ऐसा याद करिए कि आप आलम में टी पी रहे हैं, आलम बहुत मदहोश हो गए एकदम, आलम में टी पी रहे हैं और अचानक से आपका दोस्त आ जाए, बोले कि चल अब मुझे भी पिला चाय। तो अकेले अकेले पीरा, दो टपली दिया आपको, बोला कि चल मुझे भी पिला चाय। तो अब आप उसको क्या बोल रहे हो? अरे यार इतने ही पैसा था मेरे पास, एक ही जन का चाय पीने का पैसा था, मेरे पास पैसा नहीं। आप क्या कर रहे हो? नाटक कर रहे हो उसके सामने ठीक है। क्या कर रहे हो? नाटक। और आपको दो चमार देके फिर से बोलता है ये नाटक मत कर, चल चाय पिला ठीक है। ऐसा इमेजिन करिए, किसी को सीरियस नहीं लगा, जस्ट इमेजिन है, फनी इमेज बना था। तो अब उसने आपको मारा और बोला चल नाटक मत कर मुझे चाय पिला ठीक है। तो आलम में आप मस्त बैठ के टी पी रहे थे, अचानक से कृष्णा आ जाता है और बोलता है कि चल मुझे भी टी पिला, तो आप नाटक करने लगते हो ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों टोटल कितना? 18। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको याद हो चुका रहेगा, बहुत ही इजी टेक्निक है। अब आप एक काम करिए, पेज पे लिख लीजिए इसको ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको इमेजिन करिए, बस ये लिखिए या ये लिखिए, ये लिखिए तीनों में से, या फिर आप तीनों लिखना स्टार्ट करिए ठीक है। स्टोरी याद करिए और लिखना स्टार्ट करिए, इससे आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा ठीक है। तो दोस्तों ये होगा 18 जिसमें परियोजना की बात की गई थी। इसके बाद कोई अलग टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, कमेंट करेंगे आपको उस वीडियो पे, जैसे ही आप कमेंट करेंगे उसके अगले 2-3 दिन बाद आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, कितना भी डिफिकल्ट हो कैसा भी हो आप मुझे बस कमेंट करिए ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जब सब्सक्राइब कर दोगे तो बेल आइकन तो दबा ही दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।